इसका क्या हाल हो रहा है, इसकी बैक साइड पे नहीं हो रही। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? तो यार जैसा कि कल मरी से निकलने के बाद हम चले गए थे इस्लामाबाद अपने पप्पो के घर, उनके पास गए, घंटा डेढ़ घंटा उनके पास बैठे, फिर वहाँ से आगे गुजरा वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कहीं जाओ फिर रस्ते में आपके रिश्तेदारों का घर आता हो, आप उनसे मिल के ना हो तो वो फिर अच्छा नहीं ना लगता। तो हम चले गए, वापसी में आते आते पप्पो से मिला है अपने, उनसे मिलने के बाद यहाँ गुजरा वाले मेरी दूसरी पप्पो रहती हैं, इनके पास आ गया। सुबह 4 बजे इनके पास पहुँचे, मैंने लास्ट व्लॉग वहीं पर एंड कर दिया, क्योंकि अगर मैं ये दोनों व्लॉग जोड़ देता तो ये काफ़ी लंबा हो जाना था फिर, तो मैंने वो वाला लोग वहीं पे खत्म कर दिया। मैंने कहा ये भी लोग यहाँ से नया शुरू कर लेते हैं। कल रात हमने यहाँ पे स्टे किया था गुजरा वाले, ये इनका घर है, ये भी तैयार हो रहा है और आने वाले 2 से 3 महीनों में जो है फुल इनका जो घर है ये रेडी हो जाएगा। वो सामने वाला घर भी इनका तैयार हो रहा है, उसके बाद इसके पीछे एक घर है वो भी इनका तैयार हो रहा है, अभी आपको उसकी छत से जाकर नज़ारे दिखाएंगे। और इस घर के साथ ही इसकी बैक साइड पर इनकी हवेली है, जहाँ इन्होंने मुर्गे बकरे बकरियाँ मझें ये चीज़ें रखी हुई हैं। घर के साथ इनकी हवेली है, पहले ये टाउन में रहते थे, फिर वो घर छोड़ के इनकी यहाँ अपनी ज़मीन है, इन्होंने यहाँ पे अपना घर बना लिया है। अभी ये घर तैयार हो रहा है और 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर ये घर जो है फुल मतलब के यम पम मम्मी डैडी माहौल बन जाएगा, इधर ये घर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आज का दिन हम इधर रुकेंगे, सुबह 7 बजे सोए थे, उसके बाद अब 2 बज रहे हैं, उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद चलो बाहर थोड़ा सा घूम फिर आते हैं, ज़रा नज़ारे ले लेते हैं, मौसम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। सुबह 4 बजे इधर पहुँचे हैं तो उसके बाद बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अभी आपको देख के गिरा होगा ये सारी मिट्टी जो है ये गिली है, यहाँ पे भी पानी, ये माशाल्लाह से गांव के नज़ारे हैं इनके। आज का दिन इधर रुक के रात को इंशाल्लाह हम चलेंगे लाहौर। ये इनका घर है, ये घर के साथ वाली दीवार जो अटैच हो रही है ये फार्म हाउस है। अंदर चलते हैं, इन्होंने यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं साथ और पता नहीं क्या, मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ इधर। मच्छे यहाँ वो मोटर चलती है, इधर बड़ा अच्छा निज़ाम हो जाता, अभी तो फिलहाल पानी काफ़ी गंदा है इधर। ये पीछे इनका घर है, साथ इनकी हवेली है। अंदर चलते हैं देखते हैं कि अंदर आगे क्या निज़ाम है हवेली के। यहाँ पे रात को काफ़ी बारिश हुई थी, ये पानी से अंदाज़ा लगा ही सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी इधर रात को जब हम पहुँचे हैं ना सुबह 4 बजे, उसके बाद इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये देखो ये हवेली है, की देख रही है, वो मुर्गियां रखी हुई हैं इन्होंने सामने, ये रही। इधर मज़ीद 2-4 घंटे और गुजार के हम जाएंगे इंशाल्लाह सीधा लाहौर। मौसम इधर भी काफ़ी अच्छा है, सन्नाटा सुकून वाली जगह है वैसे यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुकून बहुत है इधर भी। अब यहाँ पे 2-4 घंटे गुजारते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं सीधा लाहौर अपने घर। वो है सामने उनका घर, वो साथ उनकी हवेली, ये है उनका गांव, ये देखो। कल रात हमने उधर स्टे किया था और आज इधर 2-4 घंटे गुजारने के बाद हम जाएंगे अपने घर सीधा लाहौर। इसकी आज बर्थडे है इस वाले की, इसकी आज बर्थडे है, इसकी ने जो दांत निकाल रहा है। हेलो बर्थडे बॉय, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? हेलो कर दो सबको, हेलो 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 कर दो, हेलो हेलो। इसकी आज बर्थडे है और वो जो ये नाराज हुआ है माशाल्लाह, ये भाई जान की आज बर्थडे है। अस्सलाम वालेकुम बर्थडे बॉय, इसका नाम है अब्दुल रहीम, हाय कर दो। ये
तो रिश्ते में मैं इस बच्चे का चाचू लगता हूँ, इसके जो पापा हैं वो मेरी फूफो के बेटे हैं, मैं इसका चाचू लगता हूँ। वैसे मैं माशाल्लाह बड़ा नहीं हो गया, चाचू बन गया हूँ मैं। अब बर्थडे बॉय से आपको हमने मिलवा दी है, अभी हम खाना छाना खाते हैं। तो यार आज का दिन हम रुके थे इधर गुजरा वाले अपने फूफो के घर, यहाँ आने का एक फ़ायदा ये भी हो गया कि मेरे भतीजे की सालगिरह थी, हम उसकी सालगिरह में भी शामिल हो गए, उसके साथ थोड़ा शुगर लगा लिया, थोड़ा मज़ा भी कर लिया। आज का दिन पूरा हमने इधर गुजार लिया, क्योंकि कल हम सुबह 4 बजे इधर पहुँचे थे, हमने जाना सीधा यहाँ से लाहौर। अब 12 बज के अब हम इंशाल्लाह यहाँ से सीधा जाएंगे लाहौर अपने घर। तो यार अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक घर पहुंच गए हैं, सुबह के 6 बज गए हैं, 4:15 बजे वहाँ से निकले थे, अब 6 बज गए हैं, घर पहुंच गए हैं। गाड़ी से सारा सामान भी निकाल के ऊपर रख दिया, रोड भी बिल्कुल सुनसान है, जाहिर सी बात है सुबह के 6 बज रहे हैं, इस टाइम कौन होगा भाई। आज से एक हफ़्ता पीछे चले जो इधर कितनी रौनकें होती थी, यहाँ कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बिल्कुल सुनाटे कोई नहीं है। एक हफ़्ता पहले इधर माशाल्लाह से हमारे ऊँट साहब बैठे होते थे, अब बिल्कुल खाली हो गया सब कुछ। अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो के अब चलते हैं इस्लामपुरे जाके देखते हैं कि अगर कोई जूस वाला बैठा तो उसे जाके जूस पी के आते हैं, फिर आके सो जाएंगे। तो वही यार इस्लामपुरा तो बंद है, लेकिन मुझे शुरू में 2-4 नाश्तों वाले हैं वो खुले हुए थे, उनके नाश्तों की खुशबू से मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं नाश्ता कर लूँ, लेकिन आते हुए हमने खाना छाना खा लिया था, तो मैंने कहा कि नाश्ता छोड़ो जूस ही पी लेते हैं। फिर बिलाल जूस वाले जो हैं यही खुले हुए थे, इनसे जूस पीते हैं और फिर जूस पी के चलते हैं। हार पेट वाइट अनार पिया करो, मैंने हार पेट ऊँटो नहीं फिर भी पी लेते हैं, हमारा क्या जूस पीते हैं तो जूस पी के चलते हैं घर। यही आज से एक हफ़्ता पहले इधर की माशाल्लाह से रोंगटे नहीं पकड़ी जाती थी, और ठीक है एक हफ़्ते बाद देख लो आज थर्सडे है, और पिछले हफ्ते इस टाइम ईद की नमाज़ पढ़ के लोग जो हैं वो माशाल्लाह से कुर्बानी करना शुरू हो गए थे। आज पूरा एक हफ़्ता गुजर गया तो गए हुए, और ये इस्लाम पूरा यहाँ से तो पूरा बंद है, वो आगे शुरू में 3-4 जो नाश्ते वाले हैं वो खुले होते हैं। ये देखो साइकिल देखी आपने, जब मैं स्कूल जाता था ना 1 क्लास 2 क्लास ये मैं तब की देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इस जगह को कहते हैं साइकिल वाला चौक, बहुत पुरानी साइकिल है ये। मेरे चाचू भी कहते हैं कि जब हम जाते होते थे स्कूल ये तब की साइकिल लगती थी, बड़ी पुरानी साइकिल है ये। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये साइकिल यहाँ पे लटकाने की वजह क्या है, कोई चक्कर नहीं, वजह पता ही कोई नहीं आज तक कि इस चौक में साइकिल क्यों लटकाई गई है। सुबह के 6 बज रहे हैं, तो आज का ब्लॉग हम करते हैं इधर ही ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।